कसरावत तहसील के ग्राम माकड़खेड़ा बड़गांव सायता में नदी तट पर मछलियों के मृत पाए जाने की खबर के संबंध में मत्स्य विभाग के अधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर सभी ग्रामों में जांच की गई और स्थानीय निवासियों से चर्चा की गई। जांच में मछलियों के मृत होने का कारण पाया गया है कि विगत वर्ष भी कम बारिश हुई थी और इस वर्ष जब आरंभ की बारिश पर्याप्त मात्रा में हुई तब कुंदा नदी का पानी जो कि पहली बारिश के साथ अपने साथ कई सारी गंदगी बहा कर लाया और नर्मदा नदी में मरकटी संगम माकड़खेड़ा कसरावत में मिला तो उसके प्रभाव से पिछले दो दिन में मछलियां मृत हुई थी। इसका वैज्ञानिक कारण है कि अचानक आई बाढ़ के गंदे पानी की वजह से मछलियों के गिल जिससे उनके द्वारा ऑक्सीजन ली जाती है उनके चोक हो जाने से गुठन के कारण मछलियों की मौत हो जाती है। उसके बाद से अब कोई नई मछली के मृत होने की जानकारी नहीं आई है। स्थानीय निवासी भी जांच से संतुष्ट हैं। सभी मृत मछलियों को नियमानुसार कार्यवाही कर उन्हें हटाया गया है। मछलियों के मृत होने में किसी उद्योग या रासायनिक पदार्थ के कारण की पुष्टि नहीं हुई है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों द्वारा भी नदी के जल का सैंपल लिया गया है जिसकी जांच रिपोर्ट भी दो दिन में प्राप्त होगी। किसी प्रकार के पेयजल दूषित होने की संभावना भी नहीं बताई गई है। विभाग एवं स्थानीय प्रशासन सतत नजर बनाए रखे हुए हैं। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। हमारे साथ है राजेंद्र सिंह यादव जो भूतपूर्व नगरपालिका अध्यक्ष है और नर्मदा के परम भक्त हैं। लगभग 30 सालों से लगातार नर्मदा की सेवा करते आ रहे हैं। नर्मदा जाने का उनका क्रम जारी है और नर्मदा से बहुत ही अच्छी तरह से परिचित हैं। तो हम उनसे ही जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से नर्मदा में मछलियों के मरने का सिलसिला जारी है तो क्या कारण है और आप क्या इस पर बोलना चाहेंगे? नर्मदा जी मछलियों का जीवन ही जल है और मछलियाँ नर्मदा जी में हमारे यहाँ पानी गहरा होने के कारण बहुत सारी मछलियाँ हैं। लेकिन अभी कल से नर्मदा जी के तट पर बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियाँ मरी हुई हैं और निश्चित तौर पर किसी फैक्ट्री के केमिकल के कारण हो सकता है मरी हो, क्योंकि ऐसा पहली बार देखने में आया है कि मछलियाँ किनारे पर मर रही है और उनके कारण भारी दुर्गंध फैल रही है। और ऐसी अवस्था में हमारे कसरावत शहर में पीने का पेयजल जो है वो नर्मदा मैया से उपलब्ध हो रहा है और साथ ही आज मेरे को जानकारी लगी कि फिल्टर प्लांट बंद है। ऐसी परिस्थिति में वास्तव में फिल्टर प्लांट का चालू होना शहर के लिए बहुत आवश्यक है। इससे स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा और माई के किनारे पर इन केमिकलों के कारण, निश्चित तौर पर केमिकलों के कारण ही इतनी सारी मछलियों की मौत हो रही है और नर्मदा जी के तट दूषित हो रहे हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नर्मदा का जल जो कसरावत में आता है यदि समय रहते इस पे संज्ञान नहीं लिया गया तो कोई भीषण दुर्घटना हो सकती है या लोगों के जीवन पे स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। SW न्यूज़ चैनल के लिए अबरार खान के साथ मैं अकील खान, कसरावत। सर, ये नर्मदा में मछलियों के मरने का सिलसिला था और आपने संज्ञान में लेकर अभी कुछ लोग भी आए थे, क्या था सर मामला? विभिन्न जो स्थानीय सूत्रों से जानकारी आई थी कि नर्मदा तट पर जो हमारे ग्राम है बड़गांव कठोरा नावदा तोड़ी सायता में तट पर मछली जो मृत होकर तैरने और पाए जाने की जो सूचना मिली थी उसके संबंध में तत्काल ही मत्स्य विभाग की टीम को और PHC विभाग की टीम को मौके पर रवाना किया गया था। उसमें जो एक प्राथमिक स्तर पर मूल कारण निकल के आया है कि जो हमारे माकड़खेड़ा से पहले जो मरकटी संगम पर कुंदा नदी जो कि हमारी नर्मदा नदी में मिलती है तो उससे जो कुंदा नदी में पिछली वर्ष जो कुछ पानी का स्तर नहीं रहा था तो ये दो वर्षों की जो गंदगी थी उसमें से जो एक दो वर्षों की गंदगी जमकर जो भी एक रासायनिक क्रिया होकर जो एक अचानक आई बाढ़ के कारण स्थिति निर्मित हुई है तो उस कारण से जो मछलियों में ये मृत होने की उनका जो एक श्वास लेने में उनको तकलीफ हुआ और उसके कारण से उनकी मृत्यु हुई है। यानी कि जनता में जो भय था कि कोई जहरीला पानी तो नहीं है उसका निराकरण मान लिया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसमें किसी प्रकार से मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहूँगा किसी प्रकार का कोई रासायनिक पदार्थ नहीं हुआ है जिसके कारण से यह घटना हुई है। यह केवल जैसे आप भी अभी देख रहे होंगे कोई नई खबर नहीं आ रही है जिसमें अब मछलियों के मरने की जो सूचना मिल रही हो वो शुरू में जो बाढ़ आई थी दो दिन में उसके कारण जो पानी का जो इस तरह का स्तर हुआ जो गंदगी मिलकर आई उसके कारण से मृत्यु हुई है। जिस तरीके से सर उसी क्षेत्र से कसरावत को जल प्रदाय किया जाता है और फिल्टर प्लांट काफ़ी 4 महीने से बंद है तो उससे भी कोई कसरावत में कोई समस्या तो नहीं?
नहीं बिल्कुल है, इसमें जैसे फिल्टर प्लांट पर अभी एरिएशन प्रोसेस होता है, उसके बाद जो हमारा फिटकरी एलएम और क्लोरीनेशन प्रोसेस होने के बाद ही पानी शहर को सप्लाई हो रहा है। तो इसमें हम लोग पूरा स्तरीय जांच कर रहे हैं कि किसी प्रकार का जो जल दूषित ना हो और हमारे शहरवासियों को स्वच्छ पानी मिलता रहे। इसके अतिरिक्त आगे भविष्य में निकटवर्ती 2-3 माह में फिल्टर प्लांट के पूरी समस्त प्रक्रिया होने की कार्रवाई करी जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।